हम सबको पता है कि पिक के डबल डोर वाले घर के छत के ऊपर कितने ज्यादा एनिमी वहां पे वेट करके हमारा बैठते हैं। अगर हमारे पास वहीं पे मॉन्स्टर ट्रक होता है तो मॉन्स्टर ट्रक को लेके उस घर के अंदर बिल्कुल ऐसे मैं जैसे फंसाया हूं ऐसे फंसा देना है, फिर मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर सेट करके कैमरा एंगल को थोड़ा ऊपर की तरीके से घुमाना है और हमको बिल्कुल इजीली स्पॉट हो जाएगा एनिमी कहां पर है और उस हिसाब से हम लोग जाके एनिमी को पूरा अच्छे तरीके से रश मार सकते हैं या उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं और उसको दे सकते हैं बिल्कुल सरप्राइज अटैक। देखो जैसे कि एनिमी वहां पर खड़ा है तो हम अगर डायरेक्टली जाएंगे तो वो हमें बिल्कुल इजीली स्पॉट कर देगा और मार देगा, बट यार हमारे पास भी दिमाग है, हमको यहाँ पे जाके इजीली एक छोटा सा जंप मारना है, बैठ बैठ के जाना है, एनिमी वहां पे खड़ा होगा उसको दे देना है सरप्राइज अटैक। आजकल ना एनिमी बहुत ज्यादा शाना हो गए हैं, लेफ्ट में ना छुप के राइट में जाके छुपते हैं, हम भी भाई बहुत ज्यादा शाना है उनसे, ऐसे जाके छोटा सा जंप कर लेना है, उनको हेड देना है और भाई पीछे से कर देना है उनको बिल्कुल शॉक। अब आते हैं बेहद खतरनाक वाली जगह पर, बंदे लेफ्ट और राइट में ना रह के बिल्कुल खड़े हो जाते हैं सामने, उनको भी बिल्कुल ऐसे ही जाके छोटा सा जंप कर लेना है, बैठ बैठ के जाना है ताकि उनको भनक ना लगे कि कोई आ रहा है, ऐसे जाके यहाँ पे स्कोपिंग करके थोड़ा राइट को जंप कर लेना है ताकि हम इस विंडो पे आ जाए, फिर एक छोटा सा जंप करना है और उनके पीछे से जाके दे देना है उनके हेड को। ये जो मैं इतने दिनों से मेहनत करके ये सब ट्रिक लाया हूँ इनको जाके गेम में ट्राई करना, ऐसे ही मत देखते रहे। पता है कलाहारी में बहुत सारे लोग आते हैं और कैंपिंग करते हैं, उनके लिए भी एक भयंकर सा ट्रिक है, आप लोग आना यहाँ रिफाइनरी पर, यहाँ पे होता है एक लॉन्च पैड, उसके डायरेक्शन को बिल्कुल सामने वाले टावर के टॉप पे ले जाना है और उसको रिलीज कर देना है और आप आके गिरोगे बिल्कुल वो टॉप वाली जगह पर। और हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप एम करते हो पूरा ऊपर पर फिर भी आप ऊपर नहीं जा पाते, आप थोड़ा सा नीचे आके गिर जाते हो, बट यार कोई टेंशन नहीं, वहां पर भी आप लोगों के लिए बहुत सी मस्त ट्रिक है, वहां पे आपको वैसे ही बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ऊपर डायरेक्शन करना है, बट यार कभी कभार ऐसे होता है आप नीचे आ जाते हो, कोई टेंशन नहीं, आपके दोस्त आने के बाद यहाँ पे आप लोग बिल्कुल इजीली कैंप कर सकते हो, जो बंदा आएगा उसे मार सकते हो। और हाँ अगर आए आपको यहाँ से नीचे जाना हो, आपके दोस्त के ऊपर एक छोटा सा जंप कर लेना है और यहाँ से अगर आप नीचे कूदोगे तो आपको थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होगा। पता नहीं यार ये चीज कैसे हो रहा है बट ये अपडेट के बाद ये चीज होने लगा है कि अगर आप ऊंची जगह से अपने दोस्त के ऊपर से जंप करते हो तो आपको थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पड़ता, बट अगर आप नॉर्मली जंप करते हो जैसे कि मेरा दोस्त ने यहां पर किया है तो आपको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। देखो यार उसको कितना ज्यादा डैमेज लग गया, और भाई आप लोग इसको ट्राई करना ठीक है। अब अगर कोई एक बंदा रैंक मैच खेल रहा है उससे तो बिल्कुल पता होगा कि पिक में हर बार ये स्क्वायर हाउस के ऊपर बंदा होता है, तो हमको भी उसे मारना है यार, हर बार वो कैसे मजा ले ले। यहाँ पे आपको पीछे आना है, अपने गन के स्कोप को ऑन करके राइट साइड को एक जंप कर लेना है ताकि आप इस दीवार के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आके स्कोप इन करके वो बंदे को दे देना है हेडशॉट, और भाई वो बंदा बौखला तो जाएगा पक्का, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि गोली कहाँ से बचा, और आपको दे देना है उसे सब।